असलकुम हाउ आर यू फ्रेंड्स टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर टू ऑफ योर नो योर वर्ल्ड बुक व्हिच इज़ जी तो ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स इसका मतलब उर्दू में तो बड़ा सिंपल सा है कि इंसानी हकूक इंसानी हकूक यानी ऑल दोज राइट्स विच एवरी ह्यूमन ह्यूमन बीइंग ऑन दिस गॉड्स अर्थ should have every human being has been born free and he should enjoy certain rights which society should give him so human rights are the basic rights that belong to each and every individual since the day they are born to the day they die irrespective of their color religion caste nationality कंट्री और लैंग्वेज ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स दैट बिलोंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सिंस द द डे दे आर बॉर्न टू द डे देर दे डाई इस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर रिलीजन कास्ट नेशनैलिटी कंट्री और लैंग्वेज यानी ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं कि जो हर शख्स को हासिल हैं वो किसी भी का दुनिया के किसी भी मुल्क का हो कोई उसकी नेशनलिटी हो कोई ज़ात हो कोई मज़हब हो कोई रंग हो या कोई जबान बोलता हो ये दीज आर द राइट्स विच शुड बी गिवन टू एवरी ह्यूमन बीइंग दीज आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स सब फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर स्टेटेड इन दी यूनिवर्सल डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यू डी एच आर इस लफ्ज़ को आपने यू मस्ट रिमेंबर दिस यूनाइटेड एबन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स विच वॉज बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ऑन टेंसम्बर दिसंबर 1948 ये आपको यू मस्ट रिमेंबर देर इज दिस एब्लिवेशन रिटर्न यू डी एच आर यू शुड नो दैट दिस इज यूनिवर्सल डेक्लेन ऑफ ह्यूमन राइट्स राइट Some of the, these rights are all human beings are born free and equal. All human beings are born free and equal. Everyone has the right to life, liberty, and security. Everyone has the right to receive an education. Slavery and slave trade is prohibited. Slavery. And slave trade is prohibited. All are equal before the law. Everyone has a right to freedom of movement. Everyone has the right to belong to a country. Everyone has a right to thought, conscience, and religion. Everyone has the right to work and receive a salary. Right? आपको समझ आ रही है बात ये जो है कि यानी ये ह्यूमन राइट्स क्या, क्या ये ह्यूमन राइट्स वो हैं इंसानों के वो बुनियादी हकूक हैं जो हर शख्स को हासिल होने चाहिए जैसे हर शख्स जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है और बराबर है हर शख्स को ज़िंदगी की ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी और अपनी हिफाजत का हक हासिल है ठीक है एवरी वन हैज़ द राइट टू रिसीव एन एजुकेशन हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपने आप को तालीम से यानी तालीम अपने से आशना कर सके और अपने आप को जदीद तालीम से वो बेहराबर हो सके अपनी ताल, जदीद तालीम से या मॉडर्न एजुकेशन अपने आप को दे के अपने आप को बेहतर इंसान बना सके स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड यानी किसी को ग़ुलाम बनाना या किसी को गुलाम बना के फरोख्त करना जो है इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ठीक है पूरी दुनिया में तमाम जगह पे इसी तरीके से बाकी भी ये लिस्ट हुए हुए हैं ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न इक्वल एंड एन्जॉय सर्टेन राइट्स चाइल्ड हुड इज़ रिकगनाइज एज दर्स बिटवीन इन्फेंसी एंड एडोलसनस मीनिंग फ्राम एजेस थ्री टू थर्टीन यानी तीन साल से लेके तेरह साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं जिनको तेरह साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि एडोलोसेंट हो गया है और जो तीन साल तक बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट है राइट तो इन बच्चों को भी जो है आज़ादी हासिल होनी चाहिए अपनी मर्जी से इसको भी हम आप डिटेल में आप आगे पढ़ते हैं कैसे अडल्टड बिगेन्स वंस ए परसन रीच इज़ एटीन ईयर्स ऑफ एज इंसान को जब अठारह साल का हो जाता है तो उस वक्त बालग समझा जाता है एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू ग्रो लर्न प्ले एंड डेवलप देयर पर्सनैलिटीज़ एबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स हर शख्स हर बच्चे को ये हक हासिल है कि वो पले बढ़े अपने आप को तालीम से यानी बैरावर करे और खेले कूदे और अपनी पर्सनल अपनी काबिलियत में और अपने टैलेंट्स में इजाफा करें दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन एन एनवायरनमेंट ऑफ हैप्पीनेस लव एंड अंडरस्टैंडिंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेजिडेस। ये तभी मुमकिन होता है कि जी हम एक ऐसे माहौल बनाएं कि जो खुशी का माहौल हो और जहाँ पर एक दूसरे के साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना हो कि किसी के साथ बेहतर और किसी के साथ ख़राब सलूक ना हो सब के साथ बराबर एक जैसा सलूक हो चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन सच एन एनवायरनमेंट बिकम सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स अगर बच्चों को इस तरह का माहौल मिलता है तो वो कामयाब इंसान बनते हैं और जिम्मेदार जो बालग इंसान बनते हैं ऑन ऑन इन दर्ली ट्वेंटियथ सेंचुरी इट वॉज़ कॉमन फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन फैक्ट्रीज़ अलॉन्ग सैड अडल्ट बीसवीं सदी के आगाज़ में ये बड़ी आम बात थी कि जी बच्चे जो है बड़ों के साथ ही पढ़ा क्या नाम है फैक्ट्रियों में काम करते थे ये साथ हम ये भी पढ़ते जाएँ कि डू यू नो दैट मदीना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टड बाई हज़रत मोहम्मद रसूल हाथमबी सल्ह वसम वसाभ वसलम इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डेक्लेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपको पता है कि जी दुनिया में सबसे पहले इंसानों के लिए हकूक की बात बराबरी की बात हमारे रसूल वसल् ने की जो कि चार्टर ऑफ मदीना या जिसको मिसाके मदीना बोलते हैं उसमें की ठीक है जी नो अटेंशन वॉज पेड टू देल्थ एंड सेफ्टी वाइल्ड चिल्ड्रेन ऑपरेट बिग मशीन यानी पहले जब शुरू शुरू में बच्चों को भी बेचारों को फैक्ट्रियों में काम करवाते थे और उनकी सेफ्टी वगैरह की तरफ़ कोई तोज्ह नहीं दी जाती थी जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स में बच्चे जो है ना बेचारे या तो मारे जाते थे या मज़ूर हो जाते थे द वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग एंड देयर सराउंडिंग्स वर वेरी डर्टी जो काम करने के अवकात थे वो भी बहुत लंबे लंबे होते थे और जो वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत गंदी होती थी पीपल स्टार्टेड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दी इनजस्टिस टर्ड्स चिल्ड्रन विच फोर्स लीडर्स टू टेक नोटिस लोगों ने आस्ता आस्ता इस बात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू की और आस्ता आस्ता दुनिया के तमाम लीडर्स ने भी इस बात की तरफ तोजह दी इन 1989 मेनी वर्ल्ड लीडर्स गॉट टुगेदर एंड प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड द ह्यूमन राइट्स फॉर चिल्ड्रन नोन एज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ानवे में क्या हुआ कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने बच्चों के लिए जो बुनियादी हकूक हैं उनकी बात की और एक जो एक करारदाद मंजूर की जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड राइट यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड मेड अ कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ऑफ वायलेंस हार्म एंड इनजस्टिस दुनिया की तमाम तकरीबन तक, तमाम मालिक ने इस बात पर तमाम मालिक मालिकतों ने इस बात पर आमादगी ज़ाहिर की कि बच्चों को किसी भी तरह के जुल्म से या नुकसान से या बेइंसाफी से बचाया जाना चाहिए चिल्ड्रन रन दनवेंशन फॉल अंडर थ्री कैटेगरीज़ प्रोवींस प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्री पीस जो हैं ना प्रोवीय प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन ये जो क्या है कि इस कन्वेंशन जो था हमारा चिल्ड्रन का चिल्ड्रन के लिए जो अडॉप्ट किया गया था उसमें थ्री पीज हैं क्या है प्रोविजन प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन अट शल दे दे एन्श्योर एवरी चाइल्ड राइट टू सर्वाइवल टू लिव विद द डिग्निटी अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एब्यूज एंड एक्सपर्टेशन to reach one's full potential by getting an education and using one's talent to the fullest and to have a say in matters that affect the child अच्छा इस जो करारदादा मंजूर की गई इसमें ये बात यकीनी बनाई गई कि बच्चों को किसी किस्म के ऊति से बचाया जाए और उनको ये हक दिया जाए कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें और जो मामलात उनसे मुतलक हैं उसमें वो बात कर सकें these rights are universal they apply to every child of the world no matter where they live ये जो, जो हकूक हैं ये दुनिया में हर्ष बच्चे को हासिल हैं ये नहीं फर्क पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं अब आ जाते हैं हम common etiquettes common etiquettes एटिकेट्स तो आपको पता है ना एटिकेट्स कहते हैं आदाब को common एटिकेट्स एटिकेट्स आर रूल्स ऑफ सोसाइटी एक्सेप्टेबल recognized एंड polite behavior that everyone must follow. what is the definition of etiquettes? that etiquettes are rules of soci uh, socially acceptable, recognized and polite behavior that everyone must follow. definition they are a way of showing respect and consideration to others in a society. they become the means of achieving other goals such as conflict resolution, एंड प्रपेयर अस टू बिकम गुड सिटीजन्स ऑफ़ द सिवलाइज वर्ल्ड इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि जी जो आदाब हैं वो क्या होने चाहिए उन इन आदाब को हमें यह है कि जी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात मानना एक दूसरे की बात समझना और एक दूसरे के साथ नरमी से बो नरम गुफ्तारी जो है ये बुनियादी जो है न आदाब हैं और इन्हीं से इन्हीं को फॉलो करते हुए ही हम अच्छे शहरी भी बन सकते हैं और पूरी दुनिया को भी एक महजब बना सकते हैं लर्न दिस कॉमन एटिकेट्स एंड टीच अदर्स बाय एग्जांपल। आपको ये कॉमन ये एटिकेट्स जो हैं बुनियादी बुनियादी आदाब जो है ये ख़ुद भी सीखने चाहिए और आपको दूसरों को भी दूसरों के लिए भी मिसाल बननी चाहिए लर्न दिस कॉमन एटिकेट्स एंड टीच अदर्स बाई एग्ज़ैम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल नॉक बिफोर यू एंटर अ रूम एंड ग्रीट एवरी वन वं वंस यू एंटर यानी आपको किसी भी के भी कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे को हल्का सा खटखटाना चाहिए और अंदर पहुँच के आपको सबको सलाम करना चाहिए ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर एन अपॉइंटमेंट रीच स्कूल वेल वेल इन टाइम बिफोर द बेलरिंग्स यानी आपको कभी भी कहीं पर जाना हो तो वह हमेशा आपको टाइम से पहले या टाइम पर जरूर पहुंच जाना चाहिए इसी तरह आपको स्कूल की बेल बजने से पहले पहले स्कूल पहुंच जाना चाहिए वेट फॉर योर टर्न टू बी सर्व्ड ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू अपनी बारी का इंतजार करें और हमेशा एक किताब में खड़े हों लुक एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग टू यू एंड गिव हिम ऑब्लिक हर ऑल योर अटेंशन मेंटेन आई कॉन्टेक्ट जब आप किससे बात कर रहे होते हैं तो इधर उधर देखने की जगह उस शख्स की आंखों में देखें ठीक है और उनकी बात तो से सुने कफ और स्नीज इनटू इनटू योर एल्बो और यूज अ टिश्यू पेपर या तो आपको uh, जो है जब भी आप छींकते हैं तो अपनी एल्बो अपने मुंह के ऊपर रख लेनी चाहिए या आपको टिश्यू पेपर यूज करना चाहिए पुश योर हेयर पुश योर चेयर इन वेन यू लीव द टेबल जब आप टेबल से उठते हैं तो कुर्सी को वापस थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेल देते हैं ताकि रास्ता बंद ना हो स्पेंड टाइम विद योर एल्डरली फैमिली मेम्बर्स अपने बड़ों बुज़ुर्गों के साथ टाइम गुजारा करें यूज़ पोलाइट वर्ड्स लाइक थैंक यू सॉरी और प्लीज़ एट्सट्रा ये जो पोलाइट वर्ड्स होते हैं ना थैंक यू सॉरी या प्लीज़ ये बड़े मैजिक वर्ड्स हैं इनको इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए और इनको बोलते हैं पोलाइट वर्ड्स वंस यू से थैंक यू टू समबडी वो बहुत खुश होता है जब आपको उससे गलती हो जाती है और अब वंस यू आप अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं और आप कहते हैं आई एम सॉरी तो फिर भी वो बंदा जो है ना आपसे गलती माफ़ करने को तैयार हो जाता है ये जब आप किसी को कहते हैं कि प्लीज़ ये कर दें तो वो भी आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है बी ए गुड लिसनर आपको एक बात सुनने वाला होना चाहिए दूसरों की बात सुननी चाहिए आपको गिव अ हेल्पिंग हैंड टू एनी वन ए नीड कभी भी किसी शख्स को मदद की ज़रूरत हो तो आप हमेशा उसकी मदद के लिए आप तैयार हों फ्रीडम ऑफ स्पीच अमंग मैनी अदर राइट्स एंड इंडिविजुअल इंजॉयज़ इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत सारे बाकी हकूक जो हैं उनमें से एक ये भी है कि हर शख्स को बात करने की आज़ादी है अकॉर्डिंग टू दिस एवरी वन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज़ विदाउट एनी फियर ऑफ बींग स्टॉप्ड और पनिश्ड मेनली बाई इन पावर इसके मुताबिक ऐसा है कि हर शख्स को अपने बात अपने सोच के इजहार की आज़ादी होनी चाहिए और उन शख्स को उन उन लोगों को जो कि ताकत में हों उनको ये शख्स वो ये ज़रूर जो है ना उनको ये आज़ादी देनी चाहिए तमाम लोगों को और लोगों को खौफ नहीं होना चाहिए इस बात का कि जी वो उनको सज़ा मिलेगी सच बोलने की या अपनी बात करने की ठीक मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज़ पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ओपिनियन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह होता है कि एवरी वन शड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ व्यूज़ का मतलब अपने ख्याल एंड ओपिनियंस अपने जो जो भी मशवरा देना चाहते हैं जो भी बात को जिस तरह समझते हैं दे कैन कम्युनिकेट देर प्रॉब्लम एंड रेज वॉइस अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन इनिक्वल्टी एट्सट्रा अच्छा हर लोग जो है ये यकीनी होना चाहिए कि जी वो अपने कभी उनको कोई मसला हो तो उसमें उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें या उनको कभी बेानसाफ़ी हो रही हो ना इंसाफी हो रही हो तो वो कह सकें या उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया जा रहा हो जिसको बोलते हैं डिसक्रिमिनेशन तो उसके खिलाफ वो बोल सकें यही इनक्वलिटी यानी बराबरी का सलूक ना किया जा रहा हो तब भी उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो बात को अपनी बात कर सकें बाई यूजिंग दिस राइट पीपल कैन डिमांड देयर डिमांड अदर राइट्स यानी जब अपना बात करने की इजाजत होगी तो फिर लोग अपने बाकी तो भी मांग सकेंगे ना फोर्स विद एन injustice, if इफ एन इंडिविजुअल इज़ नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट एंड आस्क फॉर जस्टिस justice जस्टिस विल नेवर बी अगर एक किसी शख्स को बात ही करने की आज़ादी नहीं होगी तो उसको इंसाफ कैसे मिलेगा ठीक है जी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एनेबल्स न्यूज़ पेपर्स टी वी रेडियो जर्नलिस्ट एंड ब्लॉगर्स टू कीप पीपल इंफॉर्म इंसान को इजहार राय की आज़ादी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो जो है ना तमाम अखबारों को टी वी को रेडियो को जो सहाफ़ी होते हैं उनको या जो ए, ए, इंटरनेट के ब्लॉगर्स होते हैं उनको मिलनी चाहिए और मिलती है पीपल कैन पार्टिसिपेट इन दी प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री एंड देयर कम्यूनिटी वैन दे आर अवेयर ऑफ वट इज़ हैपनिंग अराउंड दैम लोग अपनी मुल्क की तरक्की के लिए तभी सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं जब उनको पता हो कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इम्पॉटेंट इन दैमोक्रेसी दैट एवरी बडी शूड हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इट अलाउज़ पीपल टू डिसकस डिबेट एंड एक्सचेंज आइडियाज इससे क्या होता है कि लोगों को इस बात की इजाज़त मिल जाती है कि आपस में चीज़ों को तबादला ख्याल कर सकें और अपने अपने जो है ना नुक़ नज़र को जो है न लॉजिक्स के साथ बयान कर सकें और अपने जो है ना अपने ख्याल दूसरों तक पहुँचा सकें इट हेल्प्स द वोटर्स टू मेक इन्फॉर्म एंड डिसीजन ड्यूरिंग द इलेक्शंस और इसी की मदद से ये होता है कि जब लोग अपने लीडर्स चुनते हैं तो उनको जो, जो लोग अपने नुकतः नज़र बयान कर सकते हैं तो तभी लोग अपने लीडर चुनने के काबिल होते हैं उनको पता चलता है कि ये लीडर क्या चाहता है ये लीडर क्या चाहता है ठीक है द स्पीकर मस्ट यूज पोलाइट लैंग्वेज बी ट्रुथफुल रिस्पेक्टफुल टॉलरेंट एंड स्प्रेड लव एंड हार देखें अगर किसी शख्स को ये राइट्स चाहिए सारे राइट्स उसको मिल जाते हैं तो अब वो जो बोलने वाला है उसके पास जिम्मेदारी भी क्या होती है कि ही शुड ही मस्ट यूज़ पोलाइट लैंग्वेज ही मस्ट यूज़ पोलाइट लैंग्वेज बी ट्रुथफुल सच्चा सच्चा होना चाहिए रिस्पेक्टफुल टॉलरेंट टॉलरेंट का मतलब होता है बर्दाश्त करने वाला एंड स्प्रेड लव एंड हार्मनी और तो वो ऐसा शख्स होना चाहिए जो तो दुनिया में प्यार और शांति फैलाए ओह यस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है अभी हम दोबारा इसको रिवाइज़ करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है पीपल थिंक एंड रिएक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस लोग मुख्तलिफ जो है ना हालात में मुख्तफ तरीक़े से सोचते और अमल करते हैं ड्यू टू दिस एंड डिसएग्रीमेंट्स अराइज़ वेरी कॉमनली इसकी वजह से क्या होता है कि आपस में अख्तलाफात और जो है ना लोगों का आपस में किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो जाता है अक्सर हो जाता है ये क्योंकि हर शख्स अपने अपने अंदाज से सोचता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हैपेंस वन टू और मोर पार्टीज़ रिजॉल्व देर इशू एंड डिसग्रीमेंट पीसफुली कॉन्फ्लिक्ट रेजोलूशन क्या होते हैं ठीक है राजीनामा या आप कहेंगे किसी नतीजे पहुँचना इसको क्या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी इसको मसाइल को हल जो है कैसे होता है कि जब दोनों पार्टियाँ बैठ के पुरसकून अंदाज में आपस में जो जिन चीज़ पर अख्तलाफ राय होता है या डिसएग्रीमेंट जो होता है उसको हल कर लें दोनों आराम से बैठ के दिस मे हैपन एट होम और इन स्कूल ये आपके घर पर भी हो सकता है स्कूल में भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और रेजोल्यूशन भी हो सकता है कि सारे मिल के आपस में बात कर लें डू यू नो मीडिएटर इज़ अ पर्सन हु हेल्प्स नेगोशिएट टू और मोर पीपल टू रिज़ोल्व द कॉन्फ्लिक्ट अच्छा जब दो बंदों में आपस में इखिलाफ राय हो जाती है तो उनको एक तीसरे बंदे की ज़रूरत होती है जो कि उनको उनकी आपस में बातचीत करवा सके उसको बोलते हैं मीडिएटर क्या बोलते हैं मीडिएटर मीडिएटर इज़ अ पर्सन नेगोशिएट टू और मोर पीपल टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट मीडिएटर जो होता है वो क्या करता है दो ये दो से ज्यादा बंदे जो हैं जिनका आपस में कोई इख्तलाफ राय है उनकी आपस में एक नतीजे पे पहुंचने की मद, पहुंचने में मदद करता है सो so, डेफिनेशन क्या होगी मीडिएटर इज अ पर्सन हेल्प्स नगोशिएट टू और मोर पीपल टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट जी अभी नेक्स्ट आ गया डिस्कशन एंड निगोसिएशन आर टू इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डिस्कशन आपस में और नेगोशिएट आपस में बातचीत और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपस में जो मसाइल तलब या जो खत्म करने के लिए इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज आर विलिंग टू लिसन टू ईच अदर एंड लुक एट द इशू फ्राम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू दे वुड भी एबल टू अंडरस्टेंड ईच अदर्स कंसर्न अच्छा अगर दोनों जो लोगों में आपस में इख्तलाफ हो जाता है ना अगर वो दोनों एक दूसरे की बात सुने और समझने की कोशिश करें कि भाई वो ऐसे क्यों कह रहा है या मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ वो आप समझा सकें दूसरे को तो इससे क्या होता है कि जी आपस अखिलाफात ख़त्म किए जा सकते हैं दे कैन आल्सो एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम टाइम्स हेल्प और एडवाइस मे बी टेकन फ्रॉम अ थर्ड पर्सन अच्छा इन आपस के अख्तलाफा को दूर करने के लिए और भी तरीके होते हैं क्या होते हैं कि जी कई दफ़ा आप जो है किसी दूसरे की नसीहत या दूसरे का फैसला भी करवा सकते हैं किसी से ठीक है जी अभी देखें कैन बी रिजॉल्व इफ वी आर काम एंड अब अभी देखें दोनों सख्त बड़े सख्त लड़ रहे हैं ठीक है तो अभी उनकी मदर ने कहा लेट्स नॉट फाइट उनको कहा भी लड़ाई नहीं करनी है और फिर उनकी आपस में बातचीत करवा के दोनों की कुछ बात इसकी मानी कुछ बात इसकी मानी तो कॉन्फ्लिक्ट आपका ख़त्म हो जाता है

अगर इनकी इन दोनों चीज़ों की गैर मौजूदगी में आपका जो मसला है वो ज़्यादा बढ़ सकता है विल आइदर स्टे अनिजोल्व या, हा, या हाल ही नहीं होगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इट मे इवन लीड टू अ फाइट ये एक लड़ाई में भी बदल सकता है विच विल टेक विच विल मेक थिंग्स वर्स जिससे हालात और ख़राब हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ़ रिजॉल्विंग देम देखिए अगर आपका आपस में इख्तलाफे राय चलता रहे चलता रहे चलता रहे और आप आपस में आपस में बहस करते रहें करते रहें करते रहें और आप कोशिश ना करें एक दूसरे की बात को सुनने समझने की तो क्या होता है कि फिर आस्ता आसा ये ख़राबी पैदा हो जाती है और फिर आ, फिर लड़ाई भी आपस में हो जाती है जिससे क्या होता है कि जी आपका मामला और ख़राब हो जाते हैं आ, इसका एक बहुत अच्छा रूल है कि लिव एंड लेट लिव लिव एंड लेट लिव, लिव जियो और जीने दो द की टू हैप्पीनेस इज़ टू रिस्पेक्ट वन सेल्फ एज वेल एज अदर्स देखें जी खुशी का कहते हैं कि चाबी क्या है खुश होने की चाबी कि आप अपनी भी इज्जत करवाएं और दूसरों की भी इज्जत करें द एक्सेप्टेंस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेस डेसेज जेंडर्स लैंग्वेजेस पोलिटिकल एक्शन पोलिटिकल ओपिनियंस रिलीजस नैशनल प्रोविनशल और सोशल औरजन इज़ इज़ वाइटल फ़ार ए पीसफुल एंड हारमोनस वर्ल्ड अच्छा क्या है कि हम अगर आपस में जब मुख्तु तरह के लोग आपस में मिलते हैं मुख्तु जिनकी ज़बानें होती हैं मुख्तु इलाक़ों से तल्लु रखने वाले होते हैं मुख्तु नस्लों से तल्लु रखने वाले होते हैं अगर हम इसी बुनियाद पे कि नहीं जी ये मेरा ये मैं मैं जो अगर मैं अगर पठान हूँ तो मैं पठानों का ही साथ दूंगा या मैं पंजाबी हूँ पंजाबियों के साथ दूंगा मैं सिंधी हूँ तो सिंधियों के साथ दूंगा या मैं सैयद हूँ तो मैं सईदों का साथ दूंगा मैं गुज्जर हूँ गुजरों को ही साथ दूंगा तो ये जो है ना बुरी बात है आपको इंसाफ के साथ तमाम लोगों को हर कहीं के रहने वाले हों कहाँ के भी रहने वाले हों उनके साथ आपको जो है ना ये नहीं बरतना चाहिए कि चूंकि जी वो फ़लाना गुजर नहीं है और ये मेरा दोस्त जो गुजर है तो मैं तो गुजर का साथ दूंगा या ये चौधरी है तो वो दूसरा चौधरी नहीं है तो मैं तो चौधरी का साथ दूंगा इससे क्या होता है कि ये ख़राबी पैदा होती है ठीक है वी मस्ट लिव एंड लेट अदर्स लिव हमें ख़ुद भी जिंदा रहना चाहिए और दूसरों को भी जिंदा रहने देना चाहिए ठीक है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है